नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जाधव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। श्रावस्ती में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर बाइक और अज्ञात वाहन की टक्कर हुई है। बता दें, हादसे में 3 लोगों की जान जा चुकी है और साथ ही 7 महीने के मासूम को भी चोटें आई हैं। फिलहाल मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हुए, जहां पर श्रावस्ती में जो है तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, तो तेज रफ्तार के चलते एक बाइक और अज्ञात वाहन की टक्कर हो गई। बता दें, हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं 7 महीने के मासूम को भी चोटें आई हैं। फिलहाल इसको देखते हुए उसको अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं इस हादसे की, जहां पर बाइक और अज्ञात वाहन के बीच टक्कर होने के बाद से आसपास के इलाके में हड़कंप मचकर मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंच गए। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल वो बता रहे हैं, 7 महीने के मासूम को जो है अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं कोरोना के चलते महीनों से स्कूल बंद पड़े हैं और बच्चों का घरों पर बड़े बड़े दम घुट सा रहा है। ऐसे में बच्चे स्कूल जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। रामपुर के एक सरकारी स्कूल में ड्रेस बांटे जाने की खबर सुनकर पहुंचे बच्चों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि इंसानियत पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। स्कूल टीचर ने ड्रेस लेने आए बच्चों से भारी भरकम प्लाईबोर्ड उनके सिरों पर ढलवा कर स्कूल मंगवाई। मासूम स्कूली बच्चों के अपने सिरों पर प्लाईबोर्ड ढोते देखकर लोग हैरान रह गए। हमारे संवाददाता ने जब इस बारे में गुरुजी से पूछा तो वो बहानेबाजी करने लगे, लेकिन जांच को पहुंचे डीएम के सामने उनकी बहानेबाजी थम गई और अपनी गलती मानते हुए वो दिखाई पड़े। फिलहाल तस्वीरें और इन तस्वीरों से देखकर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर ऐसे काम किया जाएगा तो हमारे देश का जो भविष्य है वो कैसे बढ़ेगा और कैसे पढ़ेगा। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने रामपुर से हैं। तो हमारे साथ संवाददाता सुरेश अफोलान पर, सुरेश पूरा मामला क्या था? जी बता दूं मैं, रामपुर जो स्कूल का मामला है वो वहां पर कुछ बच्चे काफी टाइम से कोरोना की वजह से घर पर ही बैठे हुए थे। आज उनको बुलाया गया था स्कूल में और ये कहा गया था कि स्कूल की ड्रेस बदलनी है और ड्रेस की वजह से ही कुछ बच्चे बड़े खुश हुए और उन्होंने स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचकर उन्होंने वहां टीचर से बात की, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन टीचर ने वहां पर जो है ना उन बच्चों को वहां भेजकर कुछ प्लाइयां ढोने के लिए उन बच्चों को भेजा और प्लाइयां ढुलवाने लगे। जब प्लाइयां ढुलवाने लगे तो वहां के कुछ लोग हैरत में पड़ गए। उन्होंने देखा कि ये बच्चे तो स्कूल की ड्रेस के लिए आए थे लेकिन यहाँ पर जो है टीचर है वो इनसे प्लाइयां ढुलवा रहे हैं। देखने वाली बात ये है कि उनको एक बहाने से बुलाया गया था, वहाँ ड्रेस वगैरह कोई वितरण नहीं की गई और उनको बहाने से बुलाकर वहां से स्कूल से बाहर से प्लाइयां ढुलवाई जा रही थी। वहीं हमने लोगों ने वहाँ एसडीएम वगैरह से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जांच करते हैं, देखते हैं। इसी मामले का संज्ञान डीएम साहब को भी पड़ा तो डीएम साहब ने भी कहा ठीक है, हम देखते हैं। उन्होंने फिर मामले की जांच कराई, जांच में सही पाया गया, उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सुरेश, क्या इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें, लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं स्कूल से? हाँ, लगातार पहले भी कुछ शिकायतें मिली थी लेकिन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया था और आज उन्होंने इस शिकायत को बिल्कुल सही पाया गया, तो इस पे खासतौर से जिलाधिकारी ने जांच बिठाई है और बीएसओ को खासतौर से रिपोर्ट के लिए लिखा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर डीएम का क्या कुछ कहना था ये सुनाते हैं आपको। शिकायत आई थी कि मसवासी में जो स्वार तहसील में पड़ता है वहाँ पे कुछ बच्चे बच्चों से प्लाई वगैरह वो होने की बात आई है कि ढुलवाया गया है टीचर के द्वारा। उसमें मैंने एसडीएम को तत्काल ये कहा कि वहाँ जाके जांच कर लें। उन्होंने, ये चौपरा विद्यालय है, उसमें जांच किया और जांच के बाद मैं उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। बीएसओ को भी कार्रवाई के लिए बोल दिया गया है, उस मामले में एसडीएम की जांच। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हुआ, जहां पर शादी समारोह से लौट रही एक स्कॉर्पियो पर बालू से लदा हुआ ट्रक पलट गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा दी। फिलहाल दोनों घायल हैं। मौके पर पहुंचे जिला के आलाधिकारी बता दें पूरे मामले की तफ्तीश फिलहाल की जा रही है। बता दें घटना कड़ाधाम कोतवाली इलाके के देवीगंज चौराहे की है, जहां पर कोखरार थाना के शहजादपुर से बारात लौट रही थी और उसी दौरान एक स्कॉर्पियो में 6-7 महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। यह स्कॉर्पियो देवीगंज चौराहे के पास खड़ी थी और तभी बालू से लदा ट्रक स्कॉर्पियो पर पलट गया। इस वजह से स्कॉर्पियो में सवार 6 महिलाओं और 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई।
तुम्हारे साथ संवाददाता आकेश आकाश आकाश पूरा मामला क्या था, इसमें क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी, कौशाम्बी में ये बहुत बड़ा हादसा है और ट्रक में ऐसे हादसा होना, पुलिस प्रशासन मौके पे इस समय पहुंच चुका है। जी मैम, आकाश फिलहाल इस पूरे मामले में जो घायल है उनकी क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है? हालत तो गंभीर है सब लोगों की, जो घायलों की है जिला अस्पताल में रिफर भी कर दिया गया है सबको, लेकिन हालत अभी सबकी नाजुक बनी हुई है। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र में चंपा देवी नाम की महिला की 6 दिन पहले रात के समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस मामले में उसके पति प्रेम सिंह द्वारा अज्ञात के खिलाफ थाना पटवाई में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। वहीं पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और वहीं पुलिस ने इस मामले में कामयाबी हासिल करते हुए महिला की हत्या की घटना को अंजाम देने के मामले में कातिल पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया आला एक कत्ल तमंचा भी बरामद कर लिया गया है।